फाइनली वी विल सी एवेंजर्स 5। दिल से बोलना चाहता हूँ, अभी जो रूमर्स एंड कॉन्फर्मेशन मिल रहा है उससे इबत तो कह ही सकता हूँ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अगर मॉन्स्टर हुआ तो एवेंजर्स 5 डेविल है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ऑफकोर्स आप सोच रहे हो, तो उससे पहले हाथों की रेखा को ना मिटाते हुए लेट्स टॉक अबाउट 2019 की एवेंजर्स एंडगेम की बात से। एमसीयू के अंदर ऑफ स्क्रीन या फिर ऑन स्क्रीन एवेंजर्स एब्सेंट है, कोई टीम फॉर्मेशन नहीं, कोई एक साथ काम नहीं कर रहा है, सब अपने अपने काम पे मगन है। मगर सिनेमा कॉन में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जो फुटेज दिखाया गया था उसमें हैरिसन फोर्ड एका थंडर रॉस सैम से कहता है एवेंजर्स को फिर से बनाओ, जो एवेंजर्स की टीम ऑब्वियसली जनरल रॉस के लिए काम करेगा, और सैम ऐसा नहीं चाहता है तो वो इसी कारण टीम नहीं बनाएगा। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, तू नहीं तो और कोई। इसी सोच के साथ रॉस खुद का एक टीम बनाएगा जो थंडरबोल्ट नाम से जाना जाएगा, बाद में ये डार्क एवेंजर्स में बदल जाएगा। सुनने में भी आ रहा है एवेंजर्स 5 नॉट ओनली मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगी बल्कि ग्राउंडेड भी रहेगा, एंड इसमें एक या दो या तीन नहीं मल्टीपल विलेन देखने मिलेगा। तो इस टाइम एमसीयू की वर्सन का मास्टर ऑफ इविल भी देखने मिल जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगा। इस टाइम मास्टर ऑफ इविल में जीमो, अल्ट्रॉन, यनरॉक, जस्टिन हैमर, लीडर एंड मोडो जैसा कैरेक्टर देखने मिल जाए तो भाई जिंदगी सिंगल अला। What are you think? ये परफेक्ट मास्टर ऑफ इविल है ना? हाईली चांस है डार्क एवेंजर्स वर्सेस एवेंजर्स की क्लैश पहले देखने मिले, बाद में मास्टर ऑफ इविल से फाइट। ऐसा हुआ तो जो मल्टीपल विलेन की रूमर्स घूम रहा है वो शायद सच हो जाए। एवेंजर्स 5 की मेन विलेन कौन होगा वी डोंट नो, मगर दिल से चाहता हूँ वो कैंग हो। रिकास्ट कर भाई, मगर कैंग को ही लिया क्योंकि इसे बहुत अच्छे से एमसीयू में सेटअप कर दिया गया है। अभी इसको रिकास्ट नहीं किया तो भाई कौन ही जाने क्या होने वाला है। कुछ रिलायबल ट्रस्टेबल सोर्सेस से सुनने में आ रहा है एमसीयू के अंदर एवेंजर्स फिल्म अभी तक एमसीयू की हिस्ट्री की बिगेस्ट प्रोडक्शन एवर। इसमें एमसीयू की 60 कैरेक्टर को देखेंगे जिसमें मार्क रफेलो, क्रिस हेम्सवर्थ एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच, टॉम हिडलस्टन, सिमु लियु एंड कैरन गिलन जैसा कैरेक्टर लौट रहा है। डोंट थिंक अबाउट इट नाउ, ए लिस्ट डर्सी प्रेपर हैप्पी जैसा कैरेक्टर को मिला के भी कंफर्म किया गया है। बाय द वे इस फिल्म में डेडपूल एंड वुल्वेरिन को भी देख सकते हैं PG-13 के दायरे में, बिकॉज उन दोनों के लिए पूरे मूवी आर रेटेड तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये जो 60 कैरेक्टर की बात हो रहा है उसमें 10-15 तो साइड कैरेक्टर्स को ही देखेंगे और 10-15 साइड इविल को, यानी 30 या 30 से ज्यादा सुपर हीरोज को भी देख सकते हैं। इतने हीरोज एक साथ आएगा तो इनमें कोई बॉन्डिंग या टीम वर्क तो देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सारा नया है और इनमें कोई कनेक्शन ऑफ कोर्स हमें नहीं देखने मिलेगा का कंफर्म के साथ कह रहा हूँ। तो एक अंदर का भेद मुताव चलेगा जिस वजह से ये तो एवेंजर्स की फिल्म होगा बट नॉट लाइक ओल्ड एवेंजर्स की जैसा होगा। एवेंजर्स की टीम का कुछ भाग देखने मिलेगा हमको जो कुछ रिलायबल सोर्स से पता चलता है, मतलब एक से ज्यादा एवेंजर्स की टीम देखने मिलेगा जिसे कुछ पोटेंशियल हीरोज लीड कर सकता है। जैसे ओजी एवेंजर्स में टोनी लीड करता था पूरा एवेंजर्स को, इधर शायद वैसा कुछ देखने ना मिले। समझ तो चुके हो एक मूवी में इतना बवाल और इतना बवाल को हैंडल करने के लिए किसी अच्छा सा राइटर चाहिए। राइटर के लिए माइकल ओल्ड्रन को कंसीडर किया है, इन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लॉकी, रिक एंड मॉर्टी जैसा टीवी शोज को भी राइट कर चुका है। तो समझ ही सकते हो सर के अंदर वो बात है जो एवेंजर्स 5 के लिए चाहिए। सूत्र माफिक ये भी सुनने में आ रहा है सर पहला राइटिंग ड्राफ्ट को मार्वल को प्रेजेंट किया है, हाउएवर ये अभी भी कंफर्म नहीं है, इसमें कुछ चेंज होना अभी भी बाकी है, देन फाइनलाइज्ड होगा एवेंजर्स 5 की राइटिंग। मूवी को डायरेक्ट करने के लिए इस टाइम सोन लिवाइस से बातचीत करा जा रहा है, हालांकि अभी भी कंफर्म नहीं है सोन लिवाई इस मूवी को डायरेक्ट करेगी। सर ने अपकमिंग डेडपूल एंड वुल्वेरिन जैसा मूवी को भी डायरेक्ट किया है, साथ ही फ्री गाय, एडम प्रोजेक्ट जैसा मूवी को भी, तो सर कॉम्प्लेक्स मूवी को भी अच्छे से डायरेक्ट कर सकता है। पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर को लेके, अगर ये मूवी सोन लिवाई डायरेक्ट करती है तो लीक के ले लो, मूवी की स्टार्टिंग से अंत तक आप चिपकते रहोगे। उड़ते हुए छिपकली की माने तो 2025 की स्टार्टिंग से इसका फिल्मिंग चालू होगा और इसी महीने में ही कंफर्म कर देगा कौन एवेंजर्स 5 को डायरेक्ट कर रही है। साथ ही अगस्त की D23 में अपकमिंग प्रोजेक्ट भी अनाउंस्ड होगा जिसमें यंग एवेंजर्स, स्कारलेट विच, एक्समैन जैसा मूवी है और एवेंजर्स 5 का टाइटल भी अनाउंस्ड कर सकता है। वेल अब कितने एक्साइटेड हो एवेंजर्स 5 के लिए वो कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे।